हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्ट्रा। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपराह्न मऊ जनपद के लिए किए प्रस्थान। जाने के पहले गुरु गोरक्षनाथ का लिया आशीर्वाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने किया IGRS प्रणाली तहत आए मामलों के निस्तारण सहित ठंड से बचाव के उपायों की समीक्षा। कहा, मामलों का करे त्वरित निस्तारण, ठंडक से बचाव की करे समुचित व्यवस्था। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री आवास योजना मंडलीय कार्यालय तथा गोरखपुर महोत्सव की तैयारी की समीक्षा बैठक। कार्यों को समय अनुसार पूरा कराने के दिए निर्देश। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पीछे टीकाकरण के केंद्रीकृत भंडारण की व्यवस्था के लिए नव निर्मित भवन में चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यों की प्रगति का लिया जायजा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा NXC भवन सभागार कक्ष में खाद्य कारोबार करता निर्माण इकाई का एक दिवसीय प्रशिक्षण हुआ आयोजित। 125 लोगों को दिया गया प्रशिक्षण। गोरखपुर में CM योगी द्वारा रैन बसेरों के निरीक्षण के पश्चात स्वास्थ्य विभाग को शासनादेश जारी कर किया गया निर्देशित। कहा, रैन बसेरों में रहने वाले सभी लोगों का COVID-19 के साथ साथ किया जाए अन्य स्वास्थ्य परीक्षण। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में CM योगी से मिला प्रतिनिधि मंडल। गोरखपुर में कराए जा रहे विकास के लिए किया धन्यवाद ज्ञापित। जाम की समस्या को देखते हुए किया यथाशीघ्र मेट्रो चलाने की मांग। CM योगी ने कहा, गोरखपुर के लिए अनेकों परियोजनाएं हैं पाइपलाइन में। गोरखपुर मेट्रो हेतु केंद्र सरकार से वार्ता, अंतिम दौर में जल्द ही शुरू होगा मेट्रो का कार्य। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय में कक्षाएं ऑफलाइन संचालित कराए जाने के संबंध में कुलपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा डीन को। छात्रों की ऑफलाइन क्लास प्रारंभ करने की मांग। गोरखपुर में सोमवार को मिले 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,739। अब तक 336 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 346 हुए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सुरक्षा हेतु सेंट एंड्रयूज कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों को किया गया जागरूक। एनीमिया मुक्त भारत के अभियान के तहत एक दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण CMO कार्यालय के सभागार में किया गया आयोजित। CMO ने सभी से कहा, आशा और ANM के जरिए एनीमिया के बारे में समुदाय को करें जागरूक। और मुख्यमंत्री द्वारा घंटा घर के जीर्णोद्धार किए जाने के निर्देश के बाद अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा ने किया खुशी का इजहार। किया आतिशबाजी के साथ मिष्ठान वितरण। मुख्यमंत्री के प्रति व्यक्त किया आभार।